नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। मोगा कोटकपुरा रोड पर होंडा इमेज कार और ट्रक में हुई टक्कर के बाद ट्रक को लगी आग, एक की हुई मौत। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने गैंगस्टर राजा पहाड़िया को किया गिरफ्तार, एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस किए बरामद। जालंधर के मॉडल टाउन में एक रेस्टोरेंट में लगी आग, फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू। और अब हलचल विस्तार से। मोगा के कोटकपुरा रोड पर गांव सिंघावाला के पास होंडा इमेज कार और बागा पुराना से आ रहे सीमेंट के भरे ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे ट्रक को आग लग गई और कार चालक बुरी तरह से कार में फंस गया। वहीं मौके पर समाज सेवा सोसाइटी की ओर से मोगा नगर निगम के मेयर बलजीत सिंह चानी फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर पहुंचे और खुद आग को बुझाया। इस हादसे में कार चालक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी ओर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। मोगा से हलचल के लिए निशी मनचंदा की रिपोर्ट। सोसाइटी नू कॉल आई सी जो नगर निगम के फायर ब्रिगेड अधिकारी है मेरे वीर समर्पित जिते के गल कर समाज सेवा सोसायटी की, समाज सेवा सोसायटी भी हमेशा सेवा समर्पित आ। जिते के कॉल आई सू अभी आके देखा कि सिंह वाले जो सीमेंट न भरिया ट्रक आ जो बाघा पुराना साइड तो आ रहा है, मोगे वाली साइड तो गड्डी कार आ रही थी, जिस तरह करके जब नींद कह लो जो ओवरटेक करता सीधी ट्रक न जाके टकराई, तो टकराने जोड़ा आधा आधा जाली नुकसान तो होना ही सगा, तो ट्रक में भी अग लग गई। क्योंकि वह भी वीर सानू नहीं पता भी वह ठीक आ जो हस्पताल चला गया जो किदा वा, पर जो कार वाले की स्थिति बहुत नाजुक आ, हो सकता वा बाकी गुरु महाराज न मंजूर आ भी जो भी होना वा, क्योंकि ये तो प्रशासन दस सकता तो जे सिविल हस्पताल वाले अधिकारी आ भी जो कार वाली डैथ हुई आ जो ठीक आ, जो ट्रक वाला क्योंकि सा घटना स्थान से पहुंचे साढ़े जितने फायर ब्रिगेड अधिकारी आ नगर निगम के उन्होंने बहुत व्डा सा सहयोग आ, जेडे कि समय समय से जिथे भी जरूरत पैंती पांच मिनट घटना स्थान से। बड़ी जद्दोजहद तो बाद जो कार सवार को बाहर कटिया गया, वो हालत कि उस दी हालत की गल कर रहे, क्योंकि साडा काम जो समाज सेवा सोसायटी का हमेशा यही हुंदा वा, चाहे साडी कोई वीर आ चाहे कोई साडा भैण आ, उसनू असीं सिविल हस्पताल पहुंचाउणा हुंदा, उह तां जां डैथ होई आ जां उह ठीक आ उह तां डाक्टर साहिबां नहीं दस सकदे। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਜੀ ਕਿਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੋ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ। ਸਰ ਟਰੱਕ ਵਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਟਰੱਕ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸਾਡੇ ਜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਸਵਾਦੀ ਸੰਘ ਦਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜਾਂ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫੋਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਉਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਲੌਕ ਲੱਗਾ। ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਜਾਂ 7 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮੋਗੇ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा गैंगस्टर राजा पहाड़िया को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से पुलिस ने एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस संबंधी डीसीपी हरविंदर सिंह विर्क ने बताया कि सीआईए स्टाफ की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि गैंगस्टर राजा पहाड़िया भार्गव कैंप के माता रानी चौक के पास किसी वारदात को अंजाम देने आया हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस की टीमों ने ट्रैप लगा दिया। आरोपी के वहां पर पहुंचते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उससे मौके पर एक वेपन बरामद किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद से शहर के बदमाशों में चर्चा का माहौल बना हुआ है, क्योंकि शहर के ज्यादातर गैंग राजा पहाड़िया के जरिए ही ऑपरेट किए जाते थे। आगे उन्होंने बताया कि गैंगस्टर राजा पहाड़िया के खिलाफ जालंधर सहित नई दिल्ली और अमृतसर में भी आर्म्स एक्ट, हत्या की कोशिश, अपहरण सहित 10 मामले दर्ज हैं। फिलहाल आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है और रिमांड हासिल कर गहनता से पूछताछ की जा रही है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਫੀਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, 1.5 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਮਿਸਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ 19/10 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਸਟਾਫ ਜਲੰਧਰ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪੁਲ ਨਹਿਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਾ ਗਾਰਡਨ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੀਮ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ACP ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਟੀਮਸ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਕੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਵਾਈ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ SI ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਉੱਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ 1.5 ਕਿਲੋ ਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਂਡ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲਾ ਐਂਟੀਸੀਡੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 326, 323 ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 324 ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਸਤੀ ਬਾਬਾ ਖੇਲ ਥਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮ 1.5 ਕਿਲੋ ਫੀਮ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਓਰੀਜਨ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਸਟਮਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਐਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ। जालंधर के मॉडल टाउन स्थित एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक इस रेस्टोरेंट की बिल्डिंग में काम चल रहा था, वेल्डिंग की वजह से आग की चिंगारी के कारण ये आग लग गई। वही घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस मौके पर मॉडल टाउन के प्रधान राजीव दुग्गल ने बताया कि ये रेस्टोरेंट काफी पुराना है, इसके कुछ हिस्से में काम चल रहा था, वेल्डिंग की चिंगारी निकलने की वजह से आग लग गई और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वहीं लीडिंग फायरमैन अवनीश सौंधी ने बताया कि रेस्टोरेंट के कुछ हिस्से में आग लगी थी जिस पर काबू पा लिया गया है, इसमें कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ है। एक लड़की सफोकेशन की वजह से बेहोश हो गई थी जिसे निजी अस्पताल में भिजवाया गया है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मोहलगढ़ में हुई बेअदबी के मामले में सिंह साहिब ज्ञानी सुल्तान सिंह के आदेश पर मोहलगढ़ गांव के सभी निवासियों को श्री अकाल तख्त साहिब पर पेश होने का आदेश दिया गया था, जिसके चलते गांव मोहलगढ़ के हर घर का मुखी श्री अकाल तख्त साहिब में पहुंचा, जहां उन्होंने माना कि उनकी लापरवाही से होने वाली इस बेअदबी मामले में उनकी भी बड़ी गलती है, जिसके चलते सिंह साहिब के आदेशों पर वे श्री अकाल तख्त साहिब में हाजिर हुए हैं। इस दौरान गांव वासियों ने बताया कि गत दिनों गांव के एक नौजवान द्वारा घर वालों से परेशान होकर गुस्से में आकर गुरु घर जाकर बेअदबी की गई थी, जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि ये हमारे सभी गांव वासियों और पाठी सिंह की गैरहाजिरी का नतीजा है, उन्हें गुरुद्वारा साहिब को इस तरह अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, अब वे वहां पर अमृतधारी सेवादार नियुक्त कर पूर्ण रूप से देखरेख करेंगे और श्री अकाल तख्त साहिब से जो आदेश होगा उसकी वे पूरी तरह से पालना करेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मामला तो कुछ भी नहीं जी, बस कुछ हड्डियां ला लो भी जिते अनगहली ला लो भी जरा नहीं ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬਿਜੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਪਿੱਛੋਂ ਗਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਈ,
ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਮਰਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੇਨ ਨੇ ਜੀ, ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੀ ਗੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੰਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੀ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਮਦਨ ਬਥੇਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਖਰਚਾ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਲਗੜ ਜੀ ਜੀ। 19 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸੀ, 80% ਲੋਕ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਕੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰੇ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਡੇਢ ਵਜੇ ਫੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਟੈਂਕੀ ਪੱਟ ਗਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗ ਲਾਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਬੂਹਾ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਨੀ ਸੀ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂਟਲ ਅਫਸਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿ 5% ਉਸਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬੁਲਾ ਲਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਨਾ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜੀ, ਨਾਲ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ। त्योहारी सीजन के चलते जालंधर में शहर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस की ओर से बाजारों में फ्लैग मार्च निकाला गया। इसके साथ ही दुकानदारों को सामान रखने के बारे में हिदायतें दी गई ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी भी तरह से ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े। इस मौके पर ADCP बलविंदर सिंह ने बताया कि DGP गौरव यादव के आदेश के अनुसार पुलिस कमिश्नर कुलदीप चहल की अगुवाई में भगवान वाल्मीकि चौक से रैनिक बाजार, शेखा बाजार सहित अंदरूनी बाजारों में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस अवसर पर दुकानों के बाहर रखने वाले सामान के बारे में भी दुकानदारों को चेताया गया ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी भी तरह से ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही लोगों व दुकानदारों को शरारती तत्वों से सावधान रहने के बारे में हिदायतें भी दी गई।
जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। फ्लैग मार्च किया गया मानयोग स्पेशल डीजीपी साहब लैंड ऑर्डर उन्होंने रैफर मुताब कुलदीप सिंह चहल डीजीपी साहब उन्होंने रैफर के मुताबिक जो फ्लैग मार्च है ये करवाया जा रहा दिवाली के त्यौहार के मद्दे रखते हुए लोगों को अमन मानना जी उपरोक्त बाजार कर सकन जिन्हों का कोई उन्होंने कोई शॉपकीपर ने कस्टमर है उन्होंने किसी तरह की परेशानी ना आए तो लोगों की सहूलत रही लोगों की अमन मान बनाई रखने के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। सर गल करिए फेस्टिवल सीजन के बाजारों में व्डे व्डे गड्डिया आदि तो ट्रैफिक की बहुत दिक्कत परेशानी उस लगे कि नहीं एक्चुअली टू व्हीलर जी वी गड्डी है वो बाजार छोटा बाजार है वही गड्डी नहीं इंटर हो सकती लेकिन टू व्हीलर जो है वह विश कुछ जो टू व्हीलर जो है आ रहे हैं लेकिन उन्होंने भी अभी कोशिश कर रहे हैं सारे ट्रैफिक प्रॉपर मेनटेन करके थोड़ी सुचारू ढंग में चलाया जा सकता है। भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी की तरफ से भगवान वाल्मीकि जी के 28 अक्टूबर को मनाए जाने वाले प्रकाश उत्सव को लेकर अली मोहल्ला स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर से भगवान वाल्मीकि आश्रम श्री राम तीर्थ अमृतसर के लिए विशाल तीर्थ यात्रा रवाना हुई। इस यात्रा के साथ गई भगवान वाल्मीकि जी की पालकी साहिब के आगे श्रद्धालुओं ने नतमस्तक होकर खुद को धन्य महसूस किया। इस दौरान संकीर्तन कर रही महिलाओं ने सारे मार्ग में भगवान वाल्मीकि जी के मनमोहक भजनों से यात्रा में शामिल संगत को झूमने पर विवश किया। इससे पहले भगवान वाल्मीकि आश्रम अमृतसर के लिए विशाल तीर्थ यात्रा को रवाना भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ अजीत समाचार के मुख्य संपादक डॉक्टर बरजिंदर सिंह हमदर्द कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया पूर्व विधायक सरबजीत सिंह मक्कड़ श्री देवी तलाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज बीजेपी प्रदेश महासचिव राकेश राठौर प्रदेश उपाध्यक्ष केडी भंडारी भाजपा नेता इंद्र इकबाल सिंह अटवाल बीजेपी पूर्व जिला प्रधान रमेश शर्मा बीजेपी पूर्व जिला प्रधान रमन पब्बी आप नेता मंगल सिंह पुलिस प्रशासन से सहायक महानिरीक्षक एआईजी नरेश डोगरा डीसीपी जगमोहन सिंह एडीसीपी बलविंदर सिंह रंधावा एसीपी निर्मल सिंह एडीसीपी वन गुरप्रीत सिंह पुलिस अधिकारी बरजिंदर सिंह फैन भगत सिंह दे प्रधान मुनीश राजपूत गुरदेव सिंह गोल्डी भाटिया ने संयुक्त रूप से रिबन काट कर किया। इस सभी गणमान्यों का स्वागत भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी के पंजाब प्रधान विपन सब्रवाल पुरुषोत्तम सोंधी दीपक तेलू जतंदर निक्का चेतन हांडा आनंद बैंस साजन बैंस चेतन नाहर राजू नाहर अज्जू सब्रवाल अभी सब्रवाल की तरफ से किया गया। ये पालकी साहिब मंदिर प्रांगण से शुरू होकर पटेल चौक वर्कशॉप चौक डीएवी कॉलेज रोड विधिपुर तथा करतारपुर से होते हुए रवाना हुई। इस अवसर पर भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी के पंजाब प्रधान विपन सब्रवाल शशि शर्मा अशोक नाहर पुरुषोत्तम सोंधी राजू अंजान विकी गिल गौरव कल्याण लकी मनाली शिव शर्मा विकी सब्रवाल रामू सब्रवाल लकी बैंस लाडी गिल बॉबी सोंधी अमित गिल रमन गिल अश्विनी सोहोता हैप्पी सोंधी बिट्टू सोहोता सुरेंद्र कल्याण रिंकू भट्टी सुरेंद्र बत्रा बिशन दास सोहोता बंटी थापर सोनू कल्याण माँ बंगलामुखी धाम से श्रीकंठ जज महिला सत्संग मंडली से सीता सब्रवाल नीनू सब्रवाल संध्या रानी सत्या गिल विमला सब्रवाल सोनिया उर्मिला बाबा शारदा गिल सहित कमेटी के समूह सदस्यगण शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। जी के नाम तो सारी दुनिया जानती है जिन्होंने ते बहुत ही सत्कारित मंच मेरे नाल सारे साडे बीजेपी दे सीनियर लीडर साहिबान कालिया जी भंडारी साहब राठौड़ साहब मैं क्षमा चाहवांगा मैं समझदा भी अज दे इस मंच दे उत्ते जिहड़े भी आए है भगवान वाल्मीकि महाराज के चरणों च नतमस्तक होते उन्होंने सारिया ते हमेशा सारे समाज से कृपा रही है अज उन्होंने बहुत ही ज्यादा कृपा है सारे सम्मानित मेरे साथियों तो मैं माफी चाहूँगा संत समाज विराजमान है सारे समाज के लोग अज इस जयंती के उपलक्ष्य के विच जदों शोभा यात्रा च राम तीर्थ जा के नतमस्तक होने वास्ते आए हैं मैं इस जयंती के मौके से सारे नूं बधाई भी देना चाहना। सब्रवाल साहब थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद थोड़े नाल खड़ी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का धन्यवाद
विचार सुन रहा सी उस गल का मैं होर भी ज्यादा थोड़ा कायल हाँ। जो तुम क्या भी औखे समय के अंदर भी असि सारे जुड़ के समाज की सेवा च जुटे अज भी बच्चों की पढ़ाई वास्ते तुसी उस तरह जूझ रहे हो। एक गल जी तुसी आखी भी असि कोशिश करते हैं भी किसी का जरूरतमंद का हक कोई होर ना ले जाए आ बड़े दुर्भाग की गल है भी इन्ने साल के बाद जो एक पूरे समाज की आवाज बाबा साहब अंबेडकर साहब ने एक मूल मंत्र च चुनौती सी एजुकेट ऑर्गनाइज एंड एजुकेट पढ़ो संगठित हो उस गल का अपने का इजहार करो। अज भी पढ़ाई नू लेके जिहड़ी जिम्मेवारियां सरकारां दी होंदियां जदों दा एससी स्कॉलरशिप का चालू होया समय समय की सरकार बदलदियां रहिंदियां पर मसला अज भी उत्थे खड़ा है। इस मसले नू मैं समझदा बहुत ही मुढ़ले तौर पर इस मसले का हल होना चाहिए है। नॉन पार्टीजन वे दे अंदर कोई राजनीतिक मतभेद नहीं। चंद लोग है काली पेड़ा हरेक इवेंट दे विच होंदियां है उन्हां नू सिंगल आउट करके पासे करना चाहिए। मैं समझदा गुरु महाराज के चरणों च सब तो वड्डा मैं समझदा साडा अज नतमस्तक होण दा ओही होऊगा भी आपां इक अहद लईए सारी राजनीतिक पार्टियां नू मजबूर करिए सारे नेतावां ताईं साडा सुनेहा लगे भी लोकां ने आउण थोड़ी ठगियां नहीं झेलनियां किसे पार्टी च बैठे होण जिहड़े इस किस्म दे गरीबां दा खास तौर ते पिछड़े वर्ग दा पढ़ाई दा हक जिहड़े मारदे है मैं समझदा ओ इक करप्शन दा गुनाह नहीं ओ इक पाप है। मेरे ते मैं उस इलाके तो आना सबरवाल साहब जिस इलाके तो पंजाब के मथे ते एक बहुत वड्डा कलंक भी लगन दा सबब बनिया सीगा। एक पूरे मौके दे अंदर पंजाब दे अंदर साढ़े एक नौजवान साथी भीम तांग नू जिस तरह से सत्ता दे हंकार दे अंदर टुकड़े टुकड़े करके बर्बरता नाल जानवर नू नहीं कोई लाठी मारदा जिस तरह टुकड़े कीते गए सीगे उस एक लड़ाई नू लैके सत्ता दे सामने खड़ के सत्ता दे जिहड़े मूंह लगदे गुरगे सीगे गैंग जिहड़े सीगे जिन्हां नू सत्ता दा संरक्षण प्राप्त सीगा उहदे खिलाफ जी लड़ाई लड़ी ਉਹ ਜੇ ਅੱਜ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਮਤਾਂ ਚੁਕਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬਹੁਤ ਔਕੜਾਈਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਹ ਸਾਡਾ ਆਹੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਦੂਤੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਓ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛੜ ਗਏ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਆਹ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਿਕਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਜੋ ਬੋਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਆਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ
मैं सारिया नूं मिलिया, मैं सारिया दा नाम नहीं लैंदा, हमेशा तुसी आंदे आ और तुसी इत्थे आए ए शुभ पिछावां देण लई जाखड़ साहब विशेष तौर पर आए है। जाखड़ साहब मैं इस गल दा भी खुशी प्रगट करदा कि साडे शहर दे जिहड़े बहुत शख्सियतां खास तौर पर जलंधर दीआं उहनां दे मैं नाम भी संखेप च एक बार जरूर लैणा चाहना। मनोरंजन कालिया जी ने, राकेश राठौर जी ने, भंडारी जी, सरबजीत मक्कड़ छोटे मेरे वीर, इंदर इकबाल मेरा अजीज है, सतीश शर्मा, डॉक्टर सतीश शर्मा जी, शशि शर्मा साढ़े बड़े मोहतबर ने, ते गोल्डी मैं देखे सी इत्थे गुरदेव सिंह गोल्डी, ते संत समाज दीआं शख्सियतां ओ हाजिर है। मैं इन्हां नूं विपन नूं चेतन नूं ते सारे जिहड़े साथी आ उहनां नूं तुहाडे सब दे सामने जाकर जांदे बहुत वधाई भी देना ते वड्डा होण करके इन्हां नूं शाबाशी भी देना। इहदे कुछ कारण आ जिवें कि जाखड़ साहब ने भी जिक्र किया, विपन ने भी किया, इन्होंने अच्छे काम करके अपने समाज की इज्जत नहीं बनाई सगों समाज के प्रभाव को भी होर वधाया। जाखड़ साहब इन्हों की सब तो अच्छी गल जी मैं दसनी चाहना कि इन्होंने जिदा जिक्र किया विपन ने एक लाइब्रेरी बनाई है आश्रम दे। सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री और पंजाबी गायक इंद्रजीत सिंह निक्कू सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुरु घर में माथा टेक सरबत के भले की अरदास की, तो वहीं शिरोमणि कमेटी के अधिकारियों की ओर से उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि वे श्री गुरु रामदास जी की नगरी में गुरु घर में माथा टेकने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि वाहेगुरु जी ने उन्हें अपने घर में बुलाया था, जिसके चलते वे यहां पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि वे बार बार यहाँ आते रहेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हनुमान जी की दया बनी रहे यही मंगल कामना करने के लिए हम गुरु साहब को धन्यवाद करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ से फिर हम पठानकोट की यात्रा करेंगे, वहाँ 3 दिन तक श्री रामपद देवी भागवत महाचरित्र का पारण चरित्र सुनावेंगे, इसके बाद में फिर हम अपने धाम को। शास्त्री जी कह सकते हैं कि जो आपके भक्त हैं जो जाने वाले हैं उनको काफी उड़ीक थी कि कब वो पंजाब की धरती पर आएंगे। जी इसीलिए हम आ गए, आपकी आज्ञा लगी हमने स्वीकार कर ली। आज निक्कू भी नाल पहुंचे ने, निक्कू का के फोन सारे पंजाब तो जाना गया जी। वो ये सब गुरु साहब की महिमा है, हनुमान जी की महिमा है और इसमें किसी का कोई निमित्त मात्र हाथ नहीं होता, ये सब निमित्त परमात्मा के हाथ में होता है। माध्यम कोई भी हो सकता है, यहाँ की परंपरा है, हम भारतीय हैं। नरेंद्र जी फर्स्ट टाइम आए हैं पंजाब? जी नहीं, दोबारा आए, पहली बार एक बार आ चुके। कैसी मेहमान नवाजी कैसी रही आप? बहुत अद्भुत, बहुत प्यारे लोग हैं। हाँ जी बहुत प्यारे लोग हैं, अब हम भी सरदार जी ही लग रहे हैं। बहुत बार बार आते रहेंगे, सबको जगाते रहेंगे और हली उल्लाह वालों की ठठरी जरूर बारते। आज की नौजवान पीढ़ी जहां पंजाब में रहकर काम करने की जगह लाखों रुपए खर्च कर विदेशों की ओर भाग रहे हैं, तो वहीं अमृतसर के इन दोस्तों ने कॉलेज की डिग्री पूरी करते ही विदेश जाने का सपना छोड़कर अमृतसर में एक अलग चीज़ लोगों के लिए लाई है। जहां इन नौजवानों ने अमृतसर में लाइव फूड कुकिंग रेस्टोरेंट खोला है, जिसमें विशेष तौर पर आने वाले लोगों को उनके सामने खाना बनाकर दिया जाएगा। इस खास तरह के रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों के लिए कई तरह की अलग अलग चीज़ें बनाई जाएंगी, जिसका स्वाद सबसे अलग होगा। जहां खास तौर पर लाइव तिपान्याकी फूड कुकिंग कर आने वाले लोगों को दिया जाएगा, जिसमें इंडियन, मुगलई, पैन एशियन और कॉन्टिनेंटल जैसी विशेष खाने वाली वस्तुएं मिलेंगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम गुरमनदीप सिंह रंधावा है जी। असं छोटा जो उपराला किया है इतने अमृतसर में, छोटा एक रेस्टोरेंट खोलिया है डीप लॉक ब्लिंक के नाम तो। मैं रिसेंटली ग्रैजुएटेड हाँ यूनीवर्सिटी तो, गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी तो। उस तो बाद मैंने शुरू तो पैशन सेगा कि असं एक छोटा जहा रेस्टोरेंट खोलीए, और माय प्रोफेशन मेरा प्रोफेशन यही सेगा मैं आप रेस्टोरेंट खोलीए। मैं तो मेरे ब्रदर ने रल के आप दोनों ने रेस्टोरेंट की लाइन चूज की। कुछ खास है भाजी इतने साढ़े लागे कॉम्पीटिशन बहुत ने,
एक्चुअली इतने इटालियन भी है, मैक्सिकन भी है, इंडियन कुजीन भी है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में बहुत सारे वैराइटीज़ ने, बट आप इतने एक नई चीज़ लैके आए हैं जिसका नेम है टिपनैकी। तो एक लाइव काउंटर भी आप कह सकते हैं, एक जैपनीज फूड है वो अपने हाले तक पंजाब में नहीं आया हुआ, तो उन्होंने आप इतने विजिट किया है। बाहर जाने का नहीं सी सोचा, लाइक आप मैनू सीगा आप अपने जो पैसे इनवैसटमेंट है सारी आप इतने ही करिए, आप बाहर जाने का ता नहीं सोचा, मेरे मदर फादर भी कल्ले ने, आप लागे उन्होंने सहारा बनीए इतने, ना कि आप बाहर जाके आप तो दूरी पाइए। नौजवानों को यही मैसेज देना चाहते हैं जी, अपना अगली पीढ़ी जिन्नी भी बाहर जाना चाहती है वो बल्कि इतने पैसा इनवैसट करे, जिन्ना भी उन्होंने पैसा आ वो सारा इतने फैक्ट्रीज उन्होंने प्रोजेक्ट्स बहुत नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ने जो इतने कर सकते हैं अपना पैसा इनवैसट। क्यों अपने रेस्टोरेंट में भाजी स्पैशली जैपनीज भी आ एंड इंडियन कुजीन भी आ, मल्टी हैगा तो मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट आ, बट स्पैशलिटी यदि टिपनैकी आ जो मैं ऑलरेडी पहला दसिया सीगा तुहानू कि एक जैपनीज फूड है। मैं जो है मेरा नाम आर के शर्मा है और आई बीन कमिंग टू दिस प्लेस और इन्होंने ये जो शुरुआत की है यहाँ पे आई थिंक ये काफ़ी प्रोफेशनलिज्म लेके आएंगे अपने पैशन के साथ में, और जिस तरीके का कुजीन है रेस्टोरेंट का, जिस तरीके का इनका बार का जो प्रेजेंटेशन है, आई एम श्योर जो यहाँ पे जो टूरिस्ट आ रहे हैं और जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको जो है एक अलग ही जो है मतलब कुजीन का जायके का जो है मतलब लोगों को जो है अच्छा लगेगा यहाँ पे आके, और इनका जो स्टाफ है स्पेशली इन्होंने जो है दे हैव हायर्ड टू एम्पावर वुमेन, दे हैव गॉट लॉट ऑफ वुमेन स्टाफ ऑल्सो हेयर विच दे हैव हायर्ड एंड वो भी बहुत प्रोफेशनल हैं, वेल ट्रेंड हैं, और ये भी एक तरह का जो है एग्ज़ाम्पल जो सेट कर रहे हैं बाकी जो इंडस्ट्री वालों के लिए, एंड जिस तरीके से ये उनको जो इनक्रेज कर रहे हैं तो आई एम श्योर यहाँ के जो लोकल जो हैं ये यहाँ पे आएंगे और खाने का भी जो है अपना दे विल इंजॉय दी फूड, दे विल या टिपनैकी, दे विल इंजॉय दी न्यू काइंड ऑफ कुजीन विच दे हैव गॉट टू अमृतसर एंड दे विल ऑल्सो इंजॉय दी दी very refreshing all kind of beverages that they have and they are very well trained and professional staff, so mere khayal se ek bahut hi unique experience lagega logo ke liye. Punjab ke naujawan sabhi bahar jaane ki taraf dhyan de rahe hain, lagta hai is naujawan ne bahar jaane ki bajaye yahan par kaam karke sample set kiya. I think he has set a very good example for others to follow and not only that he has created employment and he has created a right example for others, but he has also generated employment for lot of local youth, so I think it is going to set a right trend and it will set a right example for the peoples to follow. ye aj jehde nave naujawan munde ne jehde graduate ne aur jinna da naam gursimran gursevak aur arshdeep, badi khushi de naal kehna pay reha ke jis tarah apan nu pata ke ajj di peedhi sari bahar de deshan wal nu ja rahi hai, eh graduation karke inna ne idea utthon leke aur itthe hi onu इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिमें कि असं देख रहे हैं कि अज इन्होंने अपना एक नवा रेस्टोरेंट जिदा नाम ब्लिंक रख के एक नवा उपराला किया, और मैं अरदास करता है कि गुरु नगरी के जिमें ये अपना एक मेजर टूरिस्ट हब बन चुका है और इन्हों सक्सैस मिलेगी ये, और नाल ही ये मैसेज भी देना चाहवागा कि जिन्ना पैसा इन्होंने बाहर जाने लाना सीगा वो मेरे ख्याल दे विच उस तो भी घट लागत दे विच इन्होंने यह खोल के एक चंगा उपराला किया और चंगा जिहड़ा एक लैसन दिता। बहुत सारे नौजवान बाहर जा रहे हैं, लगता है एक मिसाल दिती है इन्होंने कि इस तरीके ना बाहर का रस्ता छड के जिहड़ा वा अपने एक पंजाब दे विच रह के तरक्की कर लवे। बिल्कुल, जिवें मैं ऑलरेडी दस चुका हाँ कि तुसीं देखो ये तिने जणिआं ने मिल के कैज ए कलैक्टिव एफर्ट किया, और जो उत्थों बच्चे बाहर जाके भी उन्होंने वो इस तरह के रेस्टोरेंट्स दे विच काम करदे आ, और ये अज इतों के मालिक बन के आप इन्होंने उही जिहड़ा पैसा बाहर जिहड़ा लाना सीगा इत्थे ला के ये खोल के और इन्होंने एक वधिया मिसाल कायम की है, और गुरु महाराज इन्हां दी जरूर हेल्प करनगे और इन्हां नूं सक्सैस मिलेगी। आई विश देम। बॉर्डर एरिया दे रहण वाले आ, बॉर्डर एरिया दे विच बहुत सारे नौजवान जिहड़े वा बाहर जा रहे आ जां नशे दी गल्ल दे विच पास रहे आ,
देखो ये जो बच्चे इसे बॉर्डर एरिए और इतों ही है लोकल और जो ये मिसाल कायम कर जा रहे हैं मेरा ख्याल है कि अगलिया वास्ते एक बड़ा वधिया मोटिवेटर फैक्टर होएगा जिस तरीके ने इन्होंने बोलिया होर भी लोगों को रोजगार मिले वा उन्होंने तो काम किया होर भी जो लोगों को रोजगार मिले जो बेरोजगार नहीं लगता कि इस तरीके के होर जो नौजवान है उन्होंने इस तरीके वाल मतलब इसमें बोलनिया चाहिए ने ताकि होर लोगों को भी जो रोजगार मिल सके जरूर इस चीज़ ना सारे नू मोटिवेशन मिलेगा जिस तरह ऑलरेडी इन्होंने अराउंड 70 इंप्लॉई इतने इंप्लॉय किए हैं मैं उही जिस तरह कहा कि यही जेडे अपने नौजवान ने बाहर जाके रेस्टोरेंटा दे विच आप लेबर करते हैं इतने खुद मालिक बन के इन्होंने खुद इंप्लॉयमेंट दी है इतों की लोकल वर्ग नू और जरूर इन्हों सक्सैस भी मिलेगी और मोटिवेशन भी मिलेगा जी अपनी नवी जी सा पीढ़ी है इतों की। मैं ब्रदर बलजीत सिंह मेरा नाम है मैं मोहाली इंडस्ट्री एसोसीएशन का प्रेजिडेंट है प्रेजेंट तो मैं मोहाली तो आया स्पैशली रेस्टोरेंट की ओपनिंग वास्ते मैनू तो मतलब मैं वेरी एक्साइटेड है कि मैं अमृतसर आता रहना क्योंकि मेरी बैकग्राउंड अमृतसर तो मेरा इतने रौन लगता रहा इदा का रेस्टोरेंट देख के मैं तो हैरान हो गया साढ़े चंडीगढ़ भी इदा के कोई दो चार रेस्टोरेंट ही होंगे इन्ना वधिया रेस्टोरेंट से जी प्रैपरेशन है मैं बहुत घट देखी है तो मैनू इदा लगता कि हम मैं जदों भी चंडीगढ़ चलना तो चाहे लंच हो चाहे डिनर हो मैं इतने ही आना पैना बहुत ही वधिया जिहड़े शैफ वगैरह लिया इन्होंने सैकेंडली जिहड़ा बार है विच वो होर चार चंद लगा दिंदी है। हाँ जी बिल्कुल फैमिली 100% फैमिली रेस्टोरेंट है जी। टेस्ट ब्रदर जो असी साढ़े चंडीगढ़ के भी जिहड़े ज़्यादा वधिया चलते रेस्टोरेंट जिहड़े ज़्यादा रेस्टोरेंट वधिया चलते ना जी उन्होंने पिछे लगे आंदा अमृतसरी फिश अमृतसरी रेस्टोरेंट तो ये तो है ही अमृतसर के मैं सारिया चीज़ा बहुत टेस्टी ने लजीज ने पर मैं सब तो वधिया जी फिश मैं सब तो टॉप से लगी फिश बहुत ही वधिया मैं अपने चंडीगढ़ मोहाली वाले भी सा बहुत सोशल सर्कल है उन्होंने भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो तुम इतने आना है रंजीत एवेन्यू के ब्लिंक के नाम से चैक करना तो खाना रात को डिनर लंच इतने ही करना है मेरे वालों। नौजवान का उपराला किस तरीके ने वेखते हो विदेशों वाल भज रहे नौजवान ब्रदर सब तो वधिया उपराला जी साडी गवर्नमेंट भी भगवंत सिंह मान जी भी जो कह रहे हैं कि असी यूथ नूं इत्थे रखना चाहते हैं ये दो तीन यूथ ने रल के जिहड़ी चीज़ की है बहुत ही वधिया और लोग तुहानूं पता है अमृतसर के भी शौकीन ने मैं जिन्ना कि इत्थे आउणा मैनूं पता कि लोग सैट फ्राइडे सैटरडे संडे तो सारिआं दा ही खाणा बाहर हुंदा है इस अज की डेट सब तो वधिया बिजनेस है क्योंकि पार्टनरशिप छोटी छोटिया गल्लां जिहड़ियां सानूं इग्नोर करनी है। मेरा नाम गुरसेवक सिंह है मैं रायसंसी का रहने वाला हाँ। मैं एक रेस्टोरेंट की शुरुआत कर जा रहा जिसका नाम ब्लिंक है ये असं अज ही लॉन्च किया है ये मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट है विद लाइव तकनीक जी फस्ट टाइम इन पंजाब है फस्ट टाइम इन अमृतसर है ये तुहानू लाइव कुक होगा थोड़े सामने एंड लाइव डाइनिंग है नीट एंड क्लीन एंड हाइजीनिकल फूड मिलेगा लोगों को। मैं जो यूनिवर्सिटी तो ग्रैजुएट होया तो मेरा शुरू तो ही इंटरस्ट फूड के एक सीगा जी असी पंजाब का पैसा पंजाब दे विच रहना चाहिए है जो बाहर जा रहा है वो पंजाब दे विच लगना चाहिए है एंड पंजाब के जिहड़े लोकल लोग ने उन्हें रुजगार मिलना चाहिए है हुण राइट नाउ साढ़े कोल 50-60 इंपलॉयज ने जिहड़े लोकल ने सो काइंड ऑफ इंप्लॉयमेंट जनरेशन भी हुई है इस उपराले के नाल साढ़े को एक प्लस पॉइंट है साढ़े को एक मोनोपली है जिसका नाम तपनियाकी है ये अमृतसर के फस्ट टाइम है लोगों बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड ने एंड सानू वैबसाइट के उत्तों एंड कॉलिंग शुरू हो गई हैं लाइव रेजरवेशन टेबल्स रिगार्डिंग
ये साढ़े को एक एक तरह नाल मार्केट तो एक पॉइंट एक्स्ट्रा है। सर लगता कि जोड़े नौजवान विदेशों चल जाते हैं परिवार तो दूरी बन जाती है? जी जी वो तो बन जाती है जरूर जी। नौजवानों सोचने की लोड़ है इस समय ते आन के कि पंजाब दे विच पंजाब दा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ते अपने वर्गे होर वीर भरावां नूं रुजगार देना चाहिए। बॉर्डर एरिया रहने वाले बॉर्डर एरिया बहुत सारे नौजवान जिहड़े आ बाहर जा रहे हैं मैं तो छोटा जिहा उपराला किया है जी। जे किसी नूं एग्जाम्पल लगे तो यह बड़ी खुशनसीबी की गल होगी। लोगों नूं यह समझना चाहिए नौजवानों नूं यह समझना चाहिए है कि यह पंजाब है साडा है असीं इसनूं इत्थे इत्थों दा पैसा इत्थे रखना चाहिए है इहनूं पंजाब की डिवेलपमेंट के हिस्सा पाना चाहिए। परिवार की फुल सपोर्ट रही है जी। मेरे फादर मेरे मदर ऑल आर माई बैकबोन उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है जी इस पूरे वेंचर के। हाँ जी हाँ जी अमृतसर तो खाण पीन के जाने जाता है जी। इन वास्ते जैपनीज़ फूड्स ने जिन्ना जैपनीज़ फूड आ नवा वर्जन असं पेश कर जा रहे हैं नाल दी नाल इंडियन फूड कॉन्टीनेंटल एंड इटालियन फूड उन्होंने भी बहुत ज़्यादा वधिया शैफ ने साडे कोल जो जिहड़ा टेस्ट है अमृतसर का जिहड़ा डाइनिंग एक्सपीरियंस है अमृतसर का वो टोटली एलीवेट हो जाएगा। हाँ जी साढ़े को पंजाब नॉर्थ इंडियन कुजीन्स सारिया ने जिदा इंडियन कुजीन्स ने जिन्या भी मेन कोर्स ने वो भी साढ़े कोल ने इतने।